नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिहार के गया जिला में एक गुरुआ प्रखंड में भूरा धाम है, इसका गया से लगभग दूरी 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। भूरा धाम का गुरुआ प्रखंड से लगभग 3 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं गुरुआ का भूरा धाम के वीडियो लेके आया हूँ। भूरा धाम बहुत प्राचीन स्थल है, यहाँ भगवान बुद्ध का भी नगरी रूप में इस स्थल को माना गया है और ऋषि दुर्वासा नगरी के नाम से भी प्रचलित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, चलिए लेके चलते हैं भूरा धाम, ऋषि दुर्वासा का नगरी। आज छठ का पूजा का दिन है, तो देखते हैं छठ पूजा का झलक और भूरा नगरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यही भूरा धाम है जो आप भगवान सूर्य का जो मूर्ति देख रहे हैं। आज इतना जो भीड़ लगा है, आज छठ पूजा का दिन है जो भगवान सूर्य का लोग दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, भूरा धाम प्राचीन काल से बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्मावलंबियों का के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है। भूरा धाम की कहानी ब्राह्मण रामायण और कई ग्रंथों में भूरा का चर्चा मिलता है। खासकर बौद्ध धर्म के लिए भूरा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में माना गया है। भूरा में अनेकों संख्या में भगवान बुद्ध की मूर्ति मौजूद है, जो प्रमाणित करती है कि भूरा का संबंध भगवान बुद्ध के साथ रहा है। इसके पहले 4 फीट का पुरानी प्रतिमा आसन मुद्रा में आप लोगों ने इस वीडियो में पहले देखे हैं, वो वही मूर्ति है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधगया से सारनाथ की यात्रा के दौरान इसी रास्ते से गए थे। इस यात्रा के दौरान पहली रात भगवान बुद्ध भूरा में ठहरे थे। दोस्तों, भूरा बहुत ही प्राचीन स्थल है और बहुत ही सुंदर स्थल है। दोस्तों, 1847 में मेजर कटियो ने इस भूरा स्थल का सर्वेक्षण करवाया था। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बेसाल्ट पत्थर से निर्मित भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी और शोध में सामने आया है कि भूरा में आसन युक्त पीठिका का उद्योग चलता था और यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया जाता था। बगल में अवस्थित बेसाल्ट व ग्रेनाइट के चट्टानों को काटकर मूर्ति बनाने का काम लोग करते थे। मगध क्षेत्र में अनेकों ऋषि मुनियों और ऋषियों का कर्मभूमि रहा है। और कहानी एक और मिलता है कि प्राचीन काल में ऋषि दुर्वासा भी यहाँ पर आए थे। भूरा के निकट धुवन पहाड़ पर उस समय में मौजूद था और आज भी मौजूद पहाड़ है। ऐसा कहा जाता है कि इसी धुवन पहाड़ पर ऋषि दुर्वासा 12 वर्षों तक तपस्या किए थे और तपस्या पूर्ण के बाद ब्राह्मण भोज के लिए अनेकों संत ऋषि और मुनियों को महर्षि को आमंत्रित किए थे और सभी ऋषि दुर्वासा के तप की परीक्षा लेना शुरू कर दिए कि इनकी तपस्या पूर्ण हुआ है कि नहीं। तो सभी ऋषियों ने अपना इच्छा प्रकट किया कि जो ऋषि जिस स्थान से आए हैं वे वहीं का जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा तो नहीं करेंगे। तो ऋषि दुर्वासा ने मंत्रोच्चारण करके अपनी लकड़ी को धरती में गाड़ दिए, तभी से अनेकों जगह पर जल का बहना शुरू हो गया। जो भूरा में दो जगह पर अभी भूरा में पानी का बहाव होता। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा ने अपनी तपस्या का सफलता में सिद्ध किए, तभी इस जगह का नाम भूरा पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ आज भी दो स्थानों से पानी निकलता है
और यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र माह में विशाल मेला लगता है, जो आप सब देख रहे हैं इतना भीड़ इस वीडियो में। सो कार्तिक छठ पूजा बहुत पैमाने पर श्रद्धालु आए हैं बड़े पैमाने पर छठ पूजा करने के लिए। तो दोस्तों आज छठ का दिन है, जितना भीड़ देख रहे हैं इतना जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, ये छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है बिहार में। और कोविड के चलते लॉकडाउन की वजह से इसके पहले इतने धूमधाम से छठ पूजा नहीं हो पाया था, जो इस समय मौका मिला है जितना भीड़ देख रहे हैं। कोविड के समझिए कि कोई डर नहीं है इतना भीड़ भाड़ में। तो दोस्तों आज छठ पूजा का दिन है और छठी मैया को छठ अर्घ देने के लिए सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद कार्तिक की पूर्णिमा आने वाला है, यहाँ फिर मेला का आयोजन किया जाएगा। और इस कार्तिक पूर्णिमा में लोग जल तर्पण के लिए आते हैं, बूढ़ा बूढ़ी और बहुत दूर से आते हैं यहाँ। भूरा धाम के स्थल पर गुरुआ प्रखंड के गुरारू, बरौंधा, मथुरापुर, कस्मा, रफीगंज रहने स्थानों से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ भगवान के अलावा, भगवान बुद्ध के अलावा विश्वकर्मा भगवान का भी बड़ा मंदिर आपने वीडियो में देखा, बड़ा मंदिर भगवान विश्वकर्मा का है। और सूर्य मंदिर भी है जो आपने देखा है। भूरा में हर वर्ष शादी विवाह भी होता है, लगन के समय पूरा भीड़ भाड़ चलता है। इस भूरा धाम में बहुत ही धूमधाम से शादी विवाह होता है, जो लगन में बहुत ही और बेहतरीन देखने में लगता है भूरा धाम। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आप अगर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को कृपया प्रेस कर दें, जो भी आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों वेरी वेरी थैंक यू।